दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को चेन्नई के एमएच चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 280 रनों से धूल चटा दिया है और भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक खास रिकॉर्ड भी बनाया है। वे टेस्ट की चौथी पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल में इस मैच के बारे में। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों। दोस्तों अश्विन ने इस मामले में दिग्गज अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है। अश्विन ने 35 इनिंग में 96 विकेट लिए हैं जबकि कुंबले ने 35 ही पारियों में 94 विकेट लिए थे। दूसरी तरफ ऋषभ पंत के अलावा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी सेंचुरी ठोकी। उन्होंने 161 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शुभमन गिल ने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाए थे। यह गिल के टेस्ट करियर का 5वां शतक था। भारतीय क्रिकेट टीम को चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए खेल के चौथे दिन 6 विकेट की जरूरत थी। तीसरे दिन भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने 3 तो जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिए थे। वहीं भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कार एक्सीडेंट के बाद टेस्ट में वापसी करते हुए शतक लगाया। उन्होंने 109 रनों की दमदार पारी खेली जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह पंत के टेस्ट करियर का 34वें मैच में 6ठा टेस्ट शतक था। उन्होंने भारत के लिए बतौर विकेट कीपर टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दिग्गज एमएस धोनी की बराबरी कर ली है। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, उसमें भारतीय टीम को जीतने के लिए 6 विकेट की जरूरत थी। वहीं बांग्लादेश को जीतने के लिए 357 रनों की जरूरत थी। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन, सांतो और साकिब अल हसन बांग्लादेश के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि चौथे दिन बांग्लादेश की शुरुआत काफी अच्छी रही। कप्तान नजमुल हुसैन, सांतो और साकिब अल हसन के बीच एक अच्छी साझेदारी बनी। भारत को अब भी मैच जीतने के लिए 6 विकेट की तलाश थी। चौथे दिन बांग्लादेश को 5वां विकेट साकिब उल हसन के रूप में गिरा। साकिब को रविचंद्रन अश्विन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। साकिब 25 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सांतो और उनके बीच 48 रनों की साझेदारी हुई। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का 6ठा विकेट गिराया। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने लिटन दास को स्लिप में आउट करवाया। लिटन दास सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट पर 205 रन था और इसी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का 6ठा विकेट गिरा दिया। रविचंद्रन अश्विन ने लिटन दास को स्लिप में आउट करवाया। लिटन दास सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और बांग्लादेश का स्कोर था 6 विकेट पे 205 रन। भारतीय क्रिकेट टीम पहला टेस्ट जीतने के बहुत करीब थी और रोहित सिन्हा ने बांग्लादेश को 7वां विकेट मेहंदी हसन मिराज के रूप में गिरा दिया। रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें आउट किया। इसी के साथ दूसरी पारी में अश्विन ने 5वां विकेट लिया। 222 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश का 7वां विकेट गिरा। बांग्लादेश का 8वां विकेट नजमुल हुसैन सांतो के रूप में गिरा। कप्तान सांतो 82 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने नजमुल हुसैन सांतो को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तब भारत जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर था। भारतीय टीम अब जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट दूर है क्योंकि उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने तस्कीन अहमद को आउट कर अपना 6ठा विकेट लिया और बांग्लादेश का 9वां विकेट 228 रनों पे गिरा दिया। और इसके बाद बांग्लादेश दूसरी पारी में 234 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 376 रन बनाए थे और इसके जवाब में बांग्लादेश 149 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। फिर भारत ने दूसरी इनिंग में 4 विकेट पर 287 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी थी और मेहमान को 515 रन का टारगेट दिया था। हालांकि इस विशाल टारगेट के नीचे बांग्लादेश दब गई और चौथे ही दिन मैच को गवा दिया। तो इस प्रकार भारत ने बांग्लादेश को पूरी तरह से 280 रनों से पहले टेस्ट मैच में हराया। मेरे दोस्तों तो आपको किसकी पारी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? तो दोस्तों इस मैच के बारे में आपके क्या राय है, अपने राय को कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मेरे दोस्तों। अगली बार मैं हाजिर हूँगा एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों।